बुधवार को रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे के फ्रंटलाइन वर्कर्स को फायर फाइटर की ट्रेनिंग दी गई। रेलवे के CDI ऑफिसर्स ने रेलवे के फ्रंटलाइन वर्कर्स को आग पर काबू करने के संबंध में तकनीकी ट्रेनिंग दी। CDI ऑफिसर राजेश बागड़े ने बताया कि पिछले दिनों उधमपुर में रेल में 4 को जलने की घटना के बाद से रेल विभाग ने एक फायर फाइटिंग का अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत आज रेलवे के फ्रंटलाइन वर्कर्स को उदाहरण देते हुए बताया कि आग के फ्लो के विपरीत सुरक्षित तरीके से पूरे साहस के साथ आगे से होने वाली बड़ी घटना को रोका जा सकता है। ये जो है फायर फाइटिंग का अभियान, जो उधमपुर का जो केस हुआ है, 4 को जल गए थे, उसके लिए रेल ने एक अभियान चालू करा है। तो उसमें रेल के जो फ्रंटलाइन स्टाफ होते हैं उनको फायर फाइटिंग आना चाहिए, और फायर फाइटिंग के लिए हमारे पास में जो DCP अग्निशामक यंत्र है उसमें जितने भी कर्मचारी है वो अपना सेफ्टी लेकर चलाए और आग को कंट्रोल करे और आग को बुझाना सीखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आग लगी और वो वहाँ से मोर्चा छोड़ के भाग जाए। लेकिन हर कोच में, ड्राइवर कैबिन में, गार्ड कैबिन में रहता है अग्निशामक यंत्र, तो वहाँ पर लेकर या पेंट्री कार से लेकर उसमें चेक करके कि ये DCP चलाना है तो अपना पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट और वर्किंग एरिया, उसके बाद में इक्विपमेंट को उठाइए, आप पूरा इक्विपमेंट चेक करना है, डेट वेट, हाँ इसका एक्सपायरी डेट भी रहता है, वेट भी होता है। फिर उसके बाद में जैसे स्टोर प्रेशर टाइप है तो गेज में ग्रीन तक के उसका प्रेशर चेक करना चाहिए। ये जो प्लंजर वाला है, ये प्लंजर को स्ट्राइक करने के पहले उस कैप के ऊपर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट्स नहीं आना चाहिए, ये एक पर्सनल सेफ्टी का तरीका है। और जब आग के पास ले गए तो वहाँ पर वर्किंग एरिया सेफ्टी लेना जरूरी है, और वर्किंग एरिया सेफ्टी ये है कि एयर का फ्लो सामने जा रहा तो उसके पीछे साइड आप खड़े होइए, और जब आप प्लंजर को स्ट्राइक करें तो प्लंजर की सुई CO2 गैस कार्ट्रिज को पंचर करती है, और पंचर करने के बाद में वो 120 ग्राम का जो गैस कार्ट्रिज है वो 5 किलो पाउडर को बाहर फेंकता है, और उन नोजल के जरिए जब आग के ऊपर निकलता है तो आग के ऊपर एक स्मूथरिंग बनाएगा, पाउडर गिरने के बाद में कवर करता है, तो वो वहाँ पर ऑक्सीजन कटअप करता है, और उसके बाद में 26% और CO2 गैस बनती है। जो फ्लेम गर्म होता है पाउडर, उसमें तो CO2 गैस का काम है ठंडा करना, और ये 5 kg जो कैपेसिटी का है अग्निशामक यंत्र राय केमिकल पाउडर, ये 7 से 9 सेकंड के बीच में खाली हो जाता है, और जहाँ से आपने उठाया इसको उस जगह हुप में लटकाने के पहले इसमें लिखना चाहिए चल चुका है कि नहीं। और इस तरह ये जो फ्रंट लाइन स्टाफ है, ये अग्निशामक यंत्र है हमारे रेल में पेंट्री कार से लेकर हर जगह रखा है, इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। और जो आग रहती है शुरुआत में स्मॉल फायर है, छोटी आग होती है, उसके बाद ही बड़ी बनती है। अगर हम छोटी आग को बुझा दें तो बड़ी आग कभी नहीं बुझेगी, है कि नहीं, और बड़ी आग लगेंगी भी नहीं। इसलिए ये जो अभियान चल रहा है और जो भी फ्रंट लाइन में काम करते स्टाफ, इसको ये फायर का और फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का तरीका आना चाहिए। आपका नाम बताइए? मेरा नाम है राजेश वागाड़े, मैं CDI हूँ, और मेरे साथी सर जो है देवेंद्र बी उइके, ये भी CDI है, और हम सिविल डिफेंस सेफ्टी जो डिपार्टमेंट है उससे बिलोंग करते हैं। और हम BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।